कोटा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और साथियों, आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आज से लगभग 42 वर्ष पहले इसी चौपाड़ में 1982 में हम सुरेंद्र चाचा के लिए वोट मांगने आए थे। चाची तो फेल लड़ी। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? था वो एक नहीं तीन काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया बताओ। और क्या, कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, प्रजातंत्र का तगाजा है। जनता को संविधान ने एक इख्तियार दी है, 5 साल अब आप अपनी मर्जी सरकार बनाओ। अगर हम ठीक चलेंगे तो आगे ठीक चला दोगे, नहीं तो फिर रणजीत लड़का हमारा गले करते हुए। तो यही एक मजा है। मुझे एक परसों रणजीत सिंह ने बयान दे दिया, बोला जो विरोध कर रहे हैं ये JP के आदमी है। मगा भाई, मैं जब भी मैं विरोध करवाऊँ था जमीन पर लाठी बाजी थी, जे इनकी गिल्ला एजेंडा क्या ना रोड़ा पड़ा था। मैं किशन तुम्हारी नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं MP था, सरपंच साहब, चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मंडियाली में किसानों पर गोली चली थी, मैं पार्टी छोड़ के किस MP था, वहां जाकर भाषण दिया, बंसीलाल ने पार्टी से कह दिया, मैं पेंडा छुटिया। आप छोटा काम करनी है। देखो अब हम किस बात के लिए, आज आप हम चुन के भेजते हैं, हमारी भी सरकार हो, अगर वो जाति करती है तो मैंने उसका विरोध करना चाहिए, जनप्रतिनिधि का मैंने यही है। तो कई भाई कहते मिला JP कहते तो हम भी नहीं कर लियो, मैं फिर तो हम भी नहीं करती हो। मैं तो रिकॉर्ड करवाऊ हूँ, मैं तो लोगों के बीच में कहूंगा और तो तड़े तड़े कम है। तो सारी बातें हमारे विधायक जी ने बता दी। आज दो बात की लड़ाई, एक है संविधान बचाने की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, ये इसको बदलना चाहते। संविधान में जो हमें इख्तियार मिले हैं वो ये खत्म करना चाहते हैं। एक ही आगे से चुनाव नहीं कराना चाहते ना, ये तो बात करवाना चाहते ना खाता ना भाई, मोदी जो कहे सो सही, तो उससे बचना पड़ेगा। अगर वही 1905 का राज लेना है, अगर फिर इस देश के किसान को, मजदूर को साहूकारी शिकंजे में फंसना है, फिर तो लोगों थारी मर्जी है। लेकिन इनके मैंने जुगाड़ सा लग गया, इनके तो शिकंजे तो निकल गए, देख लिया मैंने, देख लिया दौड़ते शुरू हुए थे, पराठा उठ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है जी, कल हम रात को सिसाए गांव में थे, 10 बजे जो पुराने साथी सब इकट्ठे हो गए, बोला JP के सारे मिलके इसने ढावांगे। मन बड़ा, देखो कितनी देर तक आप लोगों को भ्रमित करोगे, लोग काम चाहते हैं। ठीक है, धर्म हमें एक जीवन बसर करने का रास्ता है, जातीय बने सामाजिक जीवन का ताना बाना है, लेकिन इनसे हमें रोजगार तो नहीं मिलेगा। आज तक प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने ये क्या रोजगार दूंगा, 15-15 लाख की बात कह तो आए सारे काम में। एक बार कहो दूसरी कंधा नहीं जाए। हाँ, एक बात दूसरी बार कंधा नहीं। तो इनके नई बात यह ले आया हूँ, एक तो इन बूढ़िया की मौज करांगे, इनके नहीं शुरू तो लग रहा है 6,000 मिलेंगे, जुगाड़ सही हो जाएगा, पोते पिंडी सही दाबे करेंगे। सुनो, 6 और अच्छा वो नहीं मिलते, फौज आ रहे हैं इसके, फौज के इसके 6,000 बूढ़े को इसने मिलेगा, 6,000 बूढ़े को और 14,000 बुढ़िया को। हाँ जी, और न्यू नारी सम्मान राहुल गांधी जी ने और हुड्डा साहब ने साल के 1,00,000 रुपए नारी सम्मान के कर दिए, तो 14,500 हो गए,
जिसके बूढ़ा बूढ़ी जो है साढ़े 20 हो गए, घर के बढ़िया तरीके से सेवा करेंगे, नहीं तो सब्सिडी मैरिज हो गई। ये इसलिए सम्मान दिया है, इसमें कोई फैमिली आईडी नहीं, कोई कुछ नहीं, कटे नहीं गए पैसा से। भारत इतने बड़े अफसर, हर हरिजन को, दलित को, शोषित को, पीड़ित को 100 गज के प्लाट, 3-3 कमरे का मकान। अरे बिजली आए तरके आ जाएगा डाक मांगी डाल बटे छाता पे को कूद दे आने। 300 यूनिट बिजली हर घर की फ्री, इतना बिल आ रहा है भाई, इतना अपना काम में चार्जेगा ना। 500 रुपये का गैस सिलेंडर ठीक हो गया काम। 2 लाख बच्चों को रोजगार। ओपीएस जो हमारे कर्मचारी हैं ये फिरे हैं, एक दो तो साइकिल पे फिरे थे बेचारे, इनके लाठी मारी हमारे सरपंच कूटे, आंगनबाड़ी वर्कर कूटी, उन पर बड़े पानी की बछावर मारे, कोई नहीं छोड़ा। अब आ जाओ काम की बात, अब काम की बात पे क्या मना है वही, अब आओ काम की बात पे। 730 किसानों ने अपनी सियादत दी थी, आपकी वो सियादत जाया नहीं जाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के चेयरमैन थे, हमारा अधिवेशन था, बाकायदा से अधिवेशन में रेजुलेशन पास हुआ है कि जैसे ही केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, C2+50% स्वामीनाथन कमीशन का फार्मूला लागू करेंगे और उसमें प्रावधान करेंगे जो उससे नीचे खरीदेगा उसमें सजा का प्रोविजन। छूट गया थारा भी पेंडा, अब मैं दलित समाज का और धन्यवाद करता हूँ। अभी आओ आओ, दलित समाज की बात शुरू तो करिए, बताओ सब मेटों को पक्के करेंगे, सरकार तो लिया सब मेटों को पक्के करेंगे, और चिंता ना करे सरकार तो तुम ली आए, तारा माथे पे बेरा पड़ जाए, पिछली बार नहीं लिया था हमने, बेरा रूस रहे हैं, इब क्या पक्का बेरा है। नरेगा की हम अब 500 लेबर है ना, 400 है, इन्हें बेरा सरपंच है, चलो तुमने 374 करी हुई तारीख 600 है, हाँ 400 सेंटर के 200 स्टेट, अभी अभी रुक तो जाए, अभी तो उसको भी आगे कराने। हम ये चाहेंगे सेंटर में हमारी सरकार आते ही इसको किसानी से जोड़ेंगे ताकि किसान को भी लाभ हो और मजदूर को भी हर दिन मजदूरी मिले। 600 रुपये तो सरकार दे देगी, बाकी का किसान दे देगा, 24 घंटे काम करो ठीक से गुजारा, एक अच्छा प्रोविजन हम करेंगे। हाँ और 200 दिन का बोलो भाई, अरे इन कपत्या ने दिशा काम कर दिया, मनोहर लाल जी की नाल धमरा बटे जो प्लास्टिक का रिमोट वाले में खड़े रहे है, हाँ प्लास्टिक वाला तो अब तो ये है, बहुत गामा में जाना है, हौसला बहुत बढ़िया है, ये 5-6 काम कर देंगे, गांव का मूड बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, एक नंबर का है। तो मूड आपका भी ठीक है, हाँ मैं नहीं तो बीमार हो लिया था, अरे तो हम ठीक पाएंगे, ठीक है नहीं 102 ताप नहीं चढ़ा पावे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।